पुखराज की ओर चलें और पुखराज की तरहटी में रमन करें। आप हक्ष शिराज जी की मेहर से अपनी आत्मिक नजर को हद बेहद के ब्रह्मांड के परे परम धाम में लेकर चलते हैं। मध्य में आते हैं जहाँ भूम बरोचे चबूतरे पर नौ भूम दसवीं आकाशी का रंग महल शोभायमान है। रंग महल की पूर्व दिशा की शोभा देखते हैं। धाम दरवाजे के सन्मुख अमृत वन चांदनी चौक की अपार शोभा, सात वनों की अपार शोभा को देखते हैं। रंग महल की पूर्व दिशा में आए सात घाट, सात वन, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट घाट की अनुपम शोभा। पूर्व दिशा की शोभा को देखते हुए अब मुड़ते हैं दक्षिण दिशा की ओर। सात वनों की शोभा देखते हुए दक्षिण दिशा में मुड़ते हैं। अगिन कोने के चय बच्चे की शोभा देखते हुए सोलह हांस का भुजक चय बच्चा, जल के उठते अत्यंत फुआरे, रंग महल की नौ भूम दसवीं आकाशी को स्पर्श करते हुए भुजक फुआरे, अगिन कोने और नैऋत्य कोने के मध्य 1500 मंदिर जो आए हैं उनके ठीक सामने बट पीपल की चौकी की अपार शोभा, चार भूम पांचवी चांदनी नहरी च बच्चों के ऊपर झूलने के अपार सुख। महल की दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी की अपार शोभा को देखा, नहरी च बच्चों पर झूलते हिंडोले, आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बने चौक, उनमें आए वृक्ष, चार भूम पांचवी चांदनी की बट पीपल की चौकी। दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी की अपार शोभा देखते हुए पश्चिम दक्षिण कोने नैऋत्य कोने से मुड़ते हैं पश्चिम की ओर। नैऋत्य और वायव कोने के मध्य रंग महल के धाम चबूतरे के साथ लगते फूलबाग की अपार शोभाई है। धाम रोज के साथ लगती रोज पर 3000 चबच्चों की शोभा, फूलों की अपार शोभा, नहरे चबच्चों की अपार शोभा, सुगंधी के पूर। रंग महल की पश्चिम दिशा में धाम रोज के साथ लगते फूलबाग की अपार शोभा, नहरी चबच्चों के मध्य आए फूलबाग के अपार बगीचों की शोभा, बेशुमार रंगों में खिले फूल, धाम रोज के साथ लगती 3000 चबच्चों की अपार शोभा। पश्चिम दिशा में फूलबाग की अपार शोभा को देखते हुए उत्तर दिशा में आते हैं, देखेंगे 40 सांस तक लाल चबूतरे की शोभा, लाल चबूतरे की शोभा, आगे ताड़वन की शोभा। लाल चबूतरे की शोभा 40 सांसों में नूर में गिलम बिछी, 40 सांसों से उतरती सीढ़ियां वनों में, सीढ़ियां उतरकर वनों में आए 41 बड़ों वन के 41 वृक्षों की हारे, अति नूरमय वृक्ष, लाल चबूतरे की शोभा उत्तर दिशा में, हांस हांस में सुंदर बैठकों की शोभा, लाल चबूतरे के ठीक साथ लगते बड़ों वन के वृक्ष, लाल चबूतरे की शोभा।
हाँस हाँस से चांदे से उतरती सीढ़ियां, सीढ़ियां उतरकर नीचे वनों में आए, बड़ो वन में, क्योंकि 41 की 41 आ रहे। सुंदर नूर में मेहराबे, उनमें आए हिंडोले, नूर में रेती के चौक, उत्तर दिशा की ओर चल रहे हैं। 15-16 चौक के मध्य से नूर में रेती की झलकार, ऊपर वनों का शीतल सुखदाई चंद्रमा शोभा देखते हुए बड़ोवन को पार किया। रंग महल की उत्तर दिशा में लाल चबूतरे का निशान, लाल चबूतरे के ठीक सामने उत्तर दिशा में 41 वृक्षों की 41 हारे नूर में शोभा देखते हुए पार करी। आगे ठीक सामने बड़वन के आगे मधुवन की शोभा है। मधुवन में ठीक हमें एक नहर मिलेगी, नहर की रोंस पे होते हुए चलना है। नहर की शोभा और नहर की रोंस। बड़ोवन की 41 से 41 हाथ पार करते ही, नहर मिलेगी, उस नहर की रोंस पर आए। बड़ोवन पार करते ही नहर मिलेगी, उस नहर की रोंस पर आए। लाल चबूतरे की शोभा देखते हुए आगे बड़ोवन की 41 हारों की शोभा देखते हुए पार किया। नहर की रोंस से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ नहर की शोभा और मधुवन की चार हारों की शोभा देखते हुए पार कर रहे हैं। आगे महावन की चार हारे, आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बने चौक, प्रत्येक चौक की चारों दिशाओं में नहरी, चारों कोनों में चबच्चों की शोभा, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचे चबूतरे पर महाबिलंद वृक्ष, जिसने पास वाले वृक्ष से मिलान किया, मेहराबों में हिंडोले, बट पीपल की चौकी के मानन, नहरी चबच्चों के ऊपर झूलने के आनंद। बड़ोवन की पहली 17 हार उसकी एक ही भूम में रंग महल की 10 भूम में समाई हैं। आगे की हारे भूम दर भूम 250 भूम गई हैं। मधुवन 500 भूम गया है। आगे महावन 1000 भूम ऊंचा गया है। रंग महल की चांदनी से देखते हैं तो एक सीढ़ी के रूप में नजर आते हैं बड़ोवन, मधुवन और महावन उत्तर दिशा में, और आगे पुखराज पहाड़। मधुवन की शोभा, आड़ी खड़ी नहरों के बने मध्य बने चौक, नहरी चबच्चों की अपार शोभा, झूलों की शोभा, भूम दर भूम 250 भूम गए, भूम दर भूम 500 भूम गए। महावन 1000 भूम तक, इसी तरह से नहरे चबच्चों की शोभा, झूलने के सुख। मधुवन महावन की शोभा देखते हुए, पशु पक्षियों की अपार लीला को देखते हुए, पीहू पीहू तुही की गुंजार करते पशु पक्षी, हाथी घोड़े सभी पीयू का गुणगान करते हुए ये सब शोभा देखते हुए पहुंच गए रंग महल से 4.5 लाख कोस की दूरी पर, जहां पे पुखराज पहाड़ स्वर्णिम आभा से युक्त है। परम धाम की जमीन से भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा, 1000 हांस का घेर कर 1000 हांस आए, प्रत्येक हांस 400 कोस का। हांस हांस से सीढ़ियां भूम भर ऊंचे चबूतरे पे चढ़ी है, और दो हांसों के मध्य नूर बई द्वार आए हैं, उनसे सीढ़ियां भूम भर नीचे धरती में उतरी हैं। धरती की दो भूम आई हैं, एक जमीन से नीचे और एक जमीन के ऊपर। आज का भूम भर ऊंचा चबूतरा 4.5 लाख कोस की दूरी पर पुखराज का भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। हांस हांस में गुर्जों की शोभा, गुर्जों के दोनों ओर से सीढ़ियां चढ़ती हुई, और दो गुर्जों के मध्य में दरवाजे की शोभा, जिनसे सीढ़ियां तरहटी में उतरी हैं।
अब इन नक्शे के माध्यम से देखते हैं। रंगमहल से 4.5 लाख कोस की दूरी पर उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ का चबूतरा उठा 1000 हांस में घेर कर आया हुआ। 400 कोस का हांस से सीढ़ियां चबूतरे पर चढ़ी हैं और 2 गुर्जों के मध्य में दरवाजे की शोभा है जिनसे सीढ़ियां तराटी में उतरी हैं। अब इन्हीं शोभा को अन्य नक्शे के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये जो गोल निशान दे रखे हैं ये गुर्जों के, और 2 गुर्जों के मध्य में दरवाजा जिनसे सीढ़ियां उतर रही हैं तराटी में। नूरमय दरवाजे से सीढ़ियां उतरकर अति नूरमय सुंदर सीढ़ियां 1000 हांसों में घेर कर उतरती सीढ़ियां उतर के सीढ़ियों वाली रोंस पर पहुंचे। इस रोंस को सीढ़ी वाली रोंस बोलते हैं क्योंकि घेर कर 1000 हांसों में यह सीढ़ियां उतरी हैं। सीढ़ी वाली रोंस से फिर 3 सीढ़ियां देखी उतरी हैं बगीचे की रोंस पे। नूरमयी बगीचे की रोंस सुंदर बैठ के सजी हुई आगे 52 हार बगीचों की। आड़ी खड़ी नहरों के मध्य आई बगीची, नहरे चवच्चों की अपार शोभा, फूलों की अपार शोभा, और देखिए बगीचों की ठीक मध्य में ये फीलपाई के निशान। बगीचे कमर भर नीचे आए हैं लेकिन बगीचों की जो नहरों के आसपास जो पाल आई है उसने बगीचे की रोंस से मिलान किया है, तो बगीचे की रोंस से पाल पर होते हुए 52 हारे बगीचों की पार की, पुनः बगीचों की रोंस पर पहुंच गए। ये देखिए 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, ये पीले रंग में मोलातों की रोंस, आगे मोलातों की शोभा। रंगों नगों में छिलमिलाती 53 हार मोलाते, 53 हार मोलाते पार की, पुनः मोलातों की रोंस पर आ गए। आगे देखिए 3 सीढ़ियां उतरकर लाल रंग में ताल की पाल पर आए, कमर भर ऊंची खजाने की ताल की जो पाल है उसे ताल की पाल कहते हैं। आगे 3 सीढ़ियां उतरकर ताल रोंस पर आए, ये देखिए ताल की पाल, ये ताल रोंस, और आगे खजाने का ताल। अब ये शोभा देखिए, बगीचे की शोभा दिखा रखी है। चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चरबच्चे और ठीक मध्य में फीलपाई की शोभा। मोहलात की शोभा दिखा रखी है। चारों दिशाओं में मुख्य घेर का देखिए मोहलों की हार। चारों दिशाओं में मुख्य दरवाजे के दोनों ओर चबूतरों की शोभा। भीतर जाएंगे तो एक थंब की आर 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, उस पर सुंदर बैठ के बाग बगीचों की अपार शोभा। एक बार फिर से देखते हैं। रंग महल की उत्तर दिशा से लाल चबूतरे से चढ़े, बड़वन पार किया, मधुवन पार किया, महावन पार किया, आगे पुखराजी रोंस जिस पर वृक्षों की 2 हारे हैं, कमर भर ऊंची पुखराजी रोंस। पुखराजी रोंस की भीती तरफ 4 लाख कोस की कृतवा में 1,33,333 कोस का भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। परमधाम की जमीन से भूम भर ऊंचा चबूतरा जिसके 1000 हांस आए। हांस पर देखी गुर्जों की शोभा, गुर्जों के दोनों ओर से सीढ़ियां चबूतरे पर चढ़ी हैं और ठीक मध्य दरवाजे की शोभा जिनसे सीढ़ियां तरहटी में उतरी हैं। सीढ़ियां उतर के तरहटी में आई सीढ़ी वाली रोंस पे, आगे 52 हार बगीचों की पार करी। नहरे चबच्चों की अपार शोभा, पुणे बगीचे की रोंस पे आए 400 कोस की, यहाँ 400 कोस का हिसाब चलता है। 3 सीढ़ी ऊपर चढ़े तो 400 कोस की मोहलातों की रोंस, आगे 53 हार मोलाते पार की, मोलातों की रोंस। 3 सीढ़ी नीचे उतरकर 400 कोस की ताल की पाल पे आए, फिर 3 सीढ़ी नीचे उतरकर ताल रोंस पर आए, आगे खजाने का ताल जिसमें 5 पेड़ आए। यही पेड़ पुखराज के आधार स्तंभ है जिनपे संपूर्ण पुखराज बाहर टिका है। ये देखिए ठीक मध्य का पेड़ और ये चारों दिशाओं के पेड़। बोम्बर ऊंचा चबूतरा, घेर कर आए 1000 हांस, हांस पर आए गुर्ज, गुर्जों की शोभा, 1000 रंगों में झिलमिलाते सुंदर गुर्ज। गुर्जों के ऊपर देखिए सीढ़ियां चढ़ी हुई दोनों तरफ से चबूतरे पर चढ़ने के लिए। ये देखिए परमधाम की जमीन से भूम भर ऊंचा चबूतरा।
गुर्जरों की शोभा सीढ़ियां चढ़ती हुई दोनों तरफ से देखिए। दो गुर्जरों के मध्य सुंदर द्वार की शोभा। इन द्वार से भीतर चलेंगे तो तलहटी में सीढ़ियां उतरती मिलेंगी। ये देखिए उतरती सीढ़ियां। बावन हार बगीचे 53 हार मोहलाते और ठीक मध्य में 5 पेड़। खजाने के ताल में आए 5 पेड़ और खजाने के ताल से चारों दिशाओं में नहरें निकली हैं। 400 कोस की चौड़ी नहर, 400-400 कोस की, 250 कोस की रोंस, ताल रोंस, नहर की रोंस, ये देखिए। खजाने के ताल से चारों दिशाओं में नहरें निकली, 400 कोस की तो चौड़ी नहर, 250 कोस में जल रोंस और फिर 400 कोस में पाल की शोभा, 5 पेड़ों की शोभा। नहरें आने से कुछ बगीचे कट गए हैं, कुछ बगीचे मोलातों की शोभा, बगीचों की शोभा, नहरें चबच्चे और ये देखिए फील पायों की शोभा। फिर ठीक मध्य में खजाने के ताल में आए 5 पेड़। पुनः एक बार देखिए भोंबल ऊंचे चबूते से सीढ़ियां उतरकर तरहटी में चले। दाई तरफ देखिए तरहटी में उतरती सीढ़ियों की शोभा हजार हाथों में। बावन हार बगीचे 53 हार मोहलाते, खजाने की ताल की शोभा, चारों दिशाओं में नहरों की शोभा और ये देखिए फील पायों की शोभा। बगीचे के ठीक मध्य फील पायों की शोभा। फील पाए और मोहलाते दो भूम ऊंची आई हैं, क्योंकि तरहटी की ऊंचाई दो भूम आई है, एक भूम परमधाम की जमीन के नीचे और एक भूम परमधाम की जमीन के ऊपर। संपूर्ण शोभा एक नजर में। घेर कर उतरती सीढ़ियां, सीढ़ी वाले रोंस, आगे बगीचे की रोंस, बावन हार बगीचे मोहलातों की रोंस, 53 हार मोहलातों की, ठीक मध्य में खजाने का ताल, 5 पेड़ों की शोभा और चारों दिशाओं में नहरों की शोभा। ये जो खजाने के ताल में 5 पेड़ों की बात हो रही है, ये 5 पेड़ अपने आप में एक माहौल है। 900 कोस के लंबे चौड़े, 250 कोस की गिरदवाएं रोंस, भीतर 400 कोस में माहौल। घेरकर मोहलाते एक थम की हर दो गलियां, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, उनपे बैठक की शोभा। ठीक मध्य वाला जो पेड़ है इनमें 250 कोस की रोंस, घेरकर मोहलातों की हारे, मोहलातों की भीतरी दीवार नहीं आई क्योंकि भीतर की तरफ जल का स्तून गया है जो 2000 भूम ऊपर जाकर आकाशीय मोहल की चांदनी पर खुलता है। चारों दिशाओं में नहरें आने से कुछ बगीचे और कुछ मोहलाते कटे हैं। बगीचों के ठीक मध्य फील पाए कुछ इस तरह से विशाल थंब रूप में उन पर प्रतिबिंबित होते हुए फूलों के नजारे। तरहटी की अद्भुत अपार शोभा, अपार शोभा मेरे धाम की।